एक पशुपति व्रत होता है। यदि कोई विशेष समस्या हो जो आप नहीं बता सकते किसी को, बहुत तकलीफ चल रही हो, बहुत कष्ट हो रहा हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो 5 सोमवार पशुपति व्रत कर लो। कितने सोमवार? 5। पशुपति व्रत करने का नियम अच्छे से समझिएगा। 5 सोमवार करना है, कोई से भी सोमवार से चालू कर सकते हो। कैसे करना है? सुबह के समय पर भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करने मंदिर में चले जाओ, पूजन अर्चना आराम से कर कर आओ। शाम के समय वही थाली लाकर घर में रख लो। सुबह के समय फलहार कर लो या मीठे का भोजन कर लो, अर्थात मीठे का भोजन मतलब फलहारी भोजन, जो भी मीठे का है वो करें। शाम के समय घर से 6 दिए लगाकर लेके जाएं घी के। कितने दिए? 6। साथ में कुछ मीठा बनाकर लेकर ले। शंकर जी के मंदिर में जाकर मीठे के 3 हिस्से कर ले, 2 हिस्से मंदिर में रख दें, 1 हिस्सा अपने साथ लेकर आना। मंदिर से जो 6 दिए लेकर गए हो वो 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दो, पशुपति नाथ के नाम से अपनी कामना कर दो। 1 दिया वापिस रख के थाली में लिया। जब घर में प्रवेश करें, घर के अंदर प्रवेश करते समय राइट भाग में प्रवेश करेंगे उसका सीधा हाथ, प्रवेश करते समय राइट भाग में जो दिया लेकर आए हो वो दिया दरवाजे के बाहर लगा दीजिए। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ, जब भोजन करो शाम को, तो जो आपने 3 हिस्से करे थे उसका जो हिस्सा लेकर आए हो वो हिस्से के साथ में भोजन कर लीजिए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। मात्र 5 व्रत कर लो। अगर कोई समस्या है, तकलीफ है, बहुत कष्ट है, तब कोई दिक्कत आ गई है, कोई बीमारी आ गई है, बहुत कष्ट ज्यादा हो रहा है, कोई कर्जा बढ़ गया है, कोई देन लेन रह गया है, कोई परेशान कर रहा है, तो पशुपति व्रत आप कर सकते हैं। ये व्रत आपके जीवन में 5 व्रत करोगे और काम सफल हो जाए। इसको कहते हैं पशुपति व्रत। पशुपति नाथ का एक व्रत होता है जिसको कहते हैं पशुपति व्रत। आजकल लोगों ने शिव महापुराण की कथा में से देख देख कर खुद की आईडी पर खूब सारे पशुपति व्रत बना बना के डाल दिए कि ऐसा करो वैसा करो, फिर उद्यापन भी ऐसा करो। पहली बात अच्छे से ध्यान में कर लेना कि पशुपति व्रत में कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा ढोंग प्रपंच कुछ नहीं करना। सुबह के समय पर थाली लेकर जाओ, शंकर भगवान का पूजन कर अभिषेक पूजन करो। सारा पूजन करने के बाद थाली वापिस लेकर आ, उसी थाली को शाम के समय लेकर जाओ। शाम को फिर थोड़ा सा बाबा को समर्पित करने के लिए कुछ मीठे का प्रसाद, जिसके 3 हिस्से हो जाएं, 6 दिए घी के बाबा को समर्पित करने के लिए लेकर जाएं, भगवान को बेलपत्र समर्पित करने के लिए लेकर जाएं, प्रेम से बाबा का स्नान पूजन सब कराकर शाम के समय प्रदोष काल में प्रदोष समय में कर प्रसाद जो बना कर ले गए हो उसके 3 हिस्से कर लो, 2 हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना है, 1 हिस्सा अपनी थाली में वापिस लेकर आना, 1 दिया लेकर आना, उसको वहां से जला कर नहीं लाना। 5 दिए मंदिर में जला दीजिए। जब दीप 5 पंचानंद भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हो, तो 5ों दिए जलाते समय पहले दिन ही अपनी कामना कर लेना कि मैं इस कामना से पशुपति व्रत कर रही हूं। बाबा आप इसे स्वीकार करना। पशुपति व्रत जिस मंदिर पे पहला व्रत होता है उसी मंदिर पर 5ों व्रत होते हैं, मंदिर नहीं बदला जाता। अगर मायके जाना है तो वापिस आकर करो, पर पशुपति व्रत ये नहीं कि मैं मायके में एक कर लूंगी या वहां जाकर एक कर लूंगी, ऐसा नहीं होता। जैसे संकट सोमवार 16 सोमवार होते हैं ना, संकट सोमवार 16 सोमवार का भी व्रत का ऐसा महत्व रहता है कि जिस घर में करा है उसी घर में करना होता है। ये नहीं कि किराए के मकान में दे रही हूं तो मैंने किराए का मकान बदल लिया है, अब बदला हुआ मकान में पहुंच गई तो एक व्रत वहां कर लूंगी, नहीं नहीं, उद्यापन तक उस मकान में तुम्हें रहना पड़ेगा जिस मकान में तुम रह रहे हो। तो व्रत का मतलब। अब पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम को 5 दिए 1 दिया जला कर प्रज्वलित करना है आपको। कहा? जब प्रसाद लेकर बाबा को निवेदन कर अपने घर पर जब आएंगे, आने पर दरवाजे में प्रवेश करेंगे, मुख्य द्वार में जब प्रवेश करें उसी के राइट भाग में आप बैठकर अपने घर की ओर मुख कर बड़े प्रेम से उस दिए को समर्पित कर दें। बाबा से विनती करें कि बाबा ये दीप मैंने केवल आपके लिए जलाया है,
कि आप इस मेरे मार्ग को सुलभ करें, मेरे घर की जो बांधा है, जो भी मेरे मन की इच्छा है उसको पूर्ण करें। बाबा को निवेदन कर प्रसाद लेके घर में प्रवेश कर जाएं। सुबह के समय जब आप फलार कर लें, शाम के समय आप भोजन कर लें। भोजन कब करना? जब एक भाग प्रसाद का लाएंगे, उस प्रसाद में से किसी को नहीं देंगे। वो प्रसाद पहले आपको खाना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। नमक दोनों समय खाओ, कोई मना नहीं। फलार में भी खा लीजिए, शाम को भी खा लीजिए, कोई चीज की मना नहीं। बस बाबा का स्मरण करो, पांच व्रत पूर्ण हो जाए। छठे व्रत में कुछ भी 108 सामग्री लेकर जाओ, चाहे मूंग लेकर जाओ, चाहे चावल लेकर जाओ, चाहे बिलपत्र लेकर जाओ, चाहे 108 मखाने लेकर जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो लेकर जाओ, 108 पुष्प ले जाओ, श्वेत पुष्प ले जाओ, रक्त पुष्प ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े, पर 108 लेकर जाइए। शाम के समय पर जब आप पूजन कर लें, पुष्प समर्पित कर दें 108, तब एक श्रीफल 11 रुपए बाबा के चरणों को समर्पित कर दें। बाबा, आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। मुझे विश्वास है पांच व्रत भी पूरे नहीं होंगे, दो या तीन व्रत में ही बाबा आपका कार्य कर देगा। पर प्रेम से करना, विश्वास रखकर करना, भरोसा रखकर करना, अहंकार नहीं। जितने पशुपति व्रत करो आप, उसमें अभिमान को त्याग दो। शंकर जी के दरवाजे पर सुबह जाओ ना, तो पहले अहंकार छोड़ कर जाइए। पशुपति व्रत आप जब करें, भगवान शिव को पांच व्रत हैं, बीच में कोई बांधा आ भी जाए उसको छोड़ दो, अगला कर लो, पर करो जरूर। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत से नहीं हुआ? ना जाने कितने लोग पशुपति व्रत को करे होंगे, और बाबा ने एक व्रत में, दो व्रत में, तीन व्रत में, पांच व्रत में कुछ ना कुछ तो दिया होगा। अगर बाबा मान लो तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं भी करता, तो मन की शांति तो दे ही देता है, हृदय की शांति तो मिल रही है ना। बहुत उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।